एग्जाम टूर देख रहे हैं। अब देखिएगा लगातार बिहार में एक माहौल सा बन गया है कि आप दरोगा टॉप करिए थार लेकर जाइए, दरोगा में रैंकर बनिए बुलेट लेकर जाइए, लेकिन वही बीपीएससी वाले विद्यार्थी सोच रहे हैं कि इस बार जिस तरीका से देखिएगा लगातार सीट की बढ़ोतरी हो रही है, मुझे तो यह भी उम्मीद है कि कहीं 2500 न चला जाए। और इसमें अभी मैं श्रेय आईएएस में हूं और श्रेय आईएएस के संस्थापक दुर्गेश सर मेरे साथ हैं। आखिरकार जो बीपीएससी 17th में टॉप करेंगे या 69 में जो टॉपर होंगे उनको क्या देंगे, कैसे पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, करंट की तैयारी कैसे करना चाहिए, अगर दरोगा को थार मिल सकता है तो एसडीएम को क्या बीएमडब्ल्यू नहीं मिल सकता है, क्या उनके लिए कोई घोषणा नहीं हो सकता है। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सारा प्रश्न करेंगे लेकिन इसमें भी विद्यार्थी मेहनत करते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी ये भी उम्मीद लगाते हैं कि यदि इसमें कोई रैंकर बनते हैं तो आप लोग क्या देंगे, चूंकि देख रहे हैं दरोगा को थार दिया जा रहा है तो बीपीएससी में जो रैंकर होंगे उनको क्या देने वाले हैं। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जो लोग एसडीएम बनते हैं जी, जो लोग डीएसपी बनते हैं वो अपने आप में थार होते हैं, अपने आप में थार। हाँ, अपने आप में थार होते हैं, वो जहाँ खड़ा हो जाते हैं वही थार की लाइन लग जाती है। जिनके नाम से थार का लाइन लग जाता है वो थार लेकर के क्या अपने आप को अपमानित करें, बीएमडब्ल्यू दिया जाए। आप एक बात जान जाइए कि जो लोग टॉप करेंगे और जो हमसे मांगेंगे वो हम देंगे। सर एक बात बताइए, बहुत सारे लोग मेरे पास भी कॉल किए चूंकि मैं भी कवर किया था और मैं प्रयास करता हूँ केवल एजुकेशनल किया जाए। सर क्या ये उचित है टॉपर को थार देना, टॉपर को बीएमडब्ल्यू देना या टॉपर को बाइक देना, ये अच्छा लगता है, ये टॉपर के लिए अच्छा है और विद्यार्थी इससे कितना प्रोत्साहित होते होंगे सर, इस पर आपका। देखिए सही बात है, मान लीजिए कि पुरस्कार जो होता है प्रोत्साहन का एक माध्यम बनता है, लेकिन पुरस्कार जो है सो पुरस्कार के स्थिति में रहे तो अच्छा लगता है, नहीं तो वो जो होता है कहीं न कहीं एक नकारात्मक अप्रोच को जन्म देता है जो गलत है। मतलब पुरस्कार ठीक है देना चाहिए, पुरस्कार ठीक है लेकिन पुरस्कार का एक सम्यक व्यवस्था होनी चाहिए, एक मानक चीजें होनी चाहिए। तो इसलिए मानक चीज है कि रैंकर बनिए आप ले लीजिए। बिल्कुल वो मैंने आपको कहा कि पुरस्कार कोई बड़ी बात नहीं है, पुरस्कार अच्छी बात है लेकिन वो अच्छे रूप में रहे तो अच्छा है। सर अभी जिस तरीका से लगातार बीपीएससी 17th में सीट बढ़ रही है, कितना उम्मीद है, क्या अभी भी बढ़ सकता है, क्या और बढ़ सकता है? आप बोल रहे थे 300-400 ऐसे पद है जो जुड़ भी सकते हैं, क्या 2500 हो सकता है? देखिए जहां तक मान लीजिए कि अभी तक बढ़ा है, आपको पता होगा कि 3-4 सीट कल भी भरे हैं, तो ये भी हो सकता है कि मान लीजिए जिस तरह से है चर्चा हो रही है, कुछ कुछ ऐसे विभाग है जहाँ से वैकेंसी आनी है, अगर उन सब से वैकेंसी आती है तो 200-300 वैकेंसी और बढ़ेगी, तो ये 300 जी बढ़ना चाहिए, ये है लेकिन वो संभावित है। लेकिन अभी जो है सो 2031-32 सीट है, तो ये भी बहुत बड़ी सीट है, बहुत बड़ी सीट है जी। सर अब क्या करना चाहिए, बहुत सारे लोग होते होंगे जो इसमें टॉप करते होंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होते होंगे जिनको कम अंक आता होगा, मैक्सिमम 10 लोगों का यानी टॉप 20 में, टॉप 100 में या नीचे से भी दिखे तो नीचे से 10 विद्यार्थी कितना अंक ला रहे हैं उनको क्या आप सुझाव करिएगा, उसके बाद मैं विद्यार्थी से भी बात करूंगा कि क्या सच में बुलेट और थार मिलना चाहिए या बीएमडब्ल्यू आपको चाहिए, इस पर भी बातचीत करेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात है कि जहाँ तक टॉपर का या नीचे का है तो दोनों को सुधार की जरूरत होती है। जैसे कि अपने यहाँ मैक्सिमम जो लोग हैं वो आपको 100-105-150 में, और क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो होता है वो कम्प्लीटली बीपीएससी का है जी, तो उन लोगों को है कि अपनी रिवाइज को जारी रखें, अपना जो प्रैक्टिस है उनको बनाए रखें, नए नए किताबों को अब कम पढ़ें जी, नए किताब कम पढ़ें, जितना पढ़े हैं उसी को दोहराएं और अधिक से अधिक दोहराने का प्रयास करें, और जितना अधिक वो दोहराएंगे उतना कंफ्यूजन कम होगा, प्रैक्टिस का लेवल उतना बढ़ जाएगा। नया जितना भी पढ़ेंगे, किताब पढ़ना छोड़ देना है, अब सबसे पहली बात है कि आप किताब छोड़ दीजिए, आप दो ही काम करिए। क्या काम करें? या तो आप क्वेश्चन बनाइए या नहीं तो मान लीजिए कि क्वेश्चन के माध्यम से चीजों को दोहराइए, क्योंकि जितना नया किताब पढ़ते हैं उतना ही फैक्ट पुराने कंफ्यूजन में जाता है, तो ये काम नहीं करना है। दूसरी तरफ है कि नकारात्मक जो तथ्य होते हैं उनसे दूर होना है, और चौथा जो सबसे बड़ा काम करना है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि आज जो स्थितियां हैं उस स्थिति में जब तक एग्जाम होंगे तब तक मैं आपको अपना पॉजिटिव बन करके रहना है, ये बहुत जरूरी है। अब जो लोग मान लीजिए कि IT है बातें हैं, वैसे मैं आपको बता दूं कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो 17वीं का जो कट ऑफ होगा वो आपको 80-85 रहेगा। ऐसा क्यों?
कारण है और बाद में बताएंगे, ये हमारा अनुभव है, इसको हमारे तक ही रहने दीजिए। 80-85 रहेंगे तो अगर 90 प्लस जो आपके टेस्ट में स्कोर कर रहे हैं वो सुरक्षित है। हाँ, 100% सुरक्षित है, बस दावा है आपका, बशर्ते कि वो एग्जामिनेशन हॉल में गड़बड़ ना करे। यहाँ के टेस्ट में जो मान लीजिए कि अगर 90 तक ला रहे हैं उनका रिजल्ट श्योर है, एकदम कहीं कोई नहीं होगा, लेकिन बशर्ते कि एग्जामिनेशन हॉल में घबराए नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में बेवजह टेंशन में नहीं रहे, लेट को एग्जामिनेशन हॉल पर नहीं जाए, क्वेश्चन को 2-4 सेट देखने के बाद क्वेश्चन में नर्वस नहीं हो जाए। जैसे कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन को खोले और वो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, आप परेशान हो जाते हैं। आपको एक चीज हमेशा ध्यान में रखना है कि 50 क्वेश्चन गलत करना है जी, 100 क्वेश्चन को में से आपको सही करना है, और 100 क्वेश्चन अगर सही हो जाता है, 100 में अगर आप अपने से 60 क्वेश्चन सही कर लेते हैं, और फिर अगर मान लीजिए कि 90 क्वेश्चन पर आप जो है सो अपना गेस करते हैं, तो निश्चित तौर पर आपका पीटी होगा। इसलिए पीटी निकालना एक स्ट्रेटजी है, वो पढ़ने से नहीं होगा। देखिए, मेरा मकसद ये होता है कि कम से कम गिफ्ट अनाउंस कर दिया जाए ताकि विद्यार्थी जो होते हैं पढ़ने में और अपना समय दें। इसीलिए मैं सभी शिक्षक से ये प्रश्न करता हूं, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आपका जो पढ़ने का जुनून है वह थार के लिए या BMW के लिए थोड़ा सा और बढ़ जाए। क्या सच में BMW मिलना चाहिए या नहीं, क्या आप उम्मीद करिएगा मिलना चाहिए या नहीं? कोई किसी भी विद्यार्थी को यदि आप मैट्रिक में टॉप करती हैं तो कुछ सरकार भी इनाम देती है। अभी तो ये हो गया है कि आप ग्रेजुएशन पास कीजिए फर्स्ट डिवीजन से और नीतीश कुमार आपको 50,000 रुपया देते हैं। तो ये BPSC भी है, फर्स्ट अटेम्प्ट में आप निकालिए 1,00,000 रुपया 50,000 मिलता है, UPSC निकालिए 1,00,000 मिलता है। तो सर लोगों के द्वारा देना चाहिए कि नहीं BMW वगैरह, क्या आप इस पर विचार है आपका? सर इतना सक्षम बना दिए हैं कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, सक्षम बना दिए जी। जरूरी नहीं है कि पुरस्कार BMW ही हो, अगर सर का आशीर्वाद ही है और साथ ही है तो बड़ी बात है। आप तो सर के पक्ष में बोल रहे हैं, क्या होना चाहिए एक पुरस्कार के रूप? कुछ नहीं, रिजल्ट चाहिए आपको? हाँ, बस रिजल्ट चाहिए, बाकी तो सर का गाइडेंस है ही, और कुछ भी नहीं चाहिए। मतलब बहुत लोग का है रिजल्ट चाहिए पुरस्कार नहीं चाहिए, अच्छी बात है, ये अच्छा सोच है, समाज में ऐसा सोच होना चाहिए। क्या चाहिए, पुरस्कार या रिजल्ट? सर इस लायक बना दें कि वैसे वैसे थार आप हजारों खरीद पाए, वो ज्यादा बेहतर होगा ना, एक थार से संतुष्टि होना सही नहीं है। थार से संतुष्टि नहीं है, SDM बन जाए फिर थार की लाइन लगी रहेगी। देख सकते हैं, सच बात है, चूंकि ये लोग BPSC है की तैयारी कर रहे हैं, UPSC की तैयारी कर रहे हैं, तो इन लोगों का सोच भी उस लेवल का है। मैंने लगातार प्रयास किया कि ये लोग भी आ जाए थार और बुलेट में, लेकिन इन लोगों का साफ कहना है कि नहीं, थार और बुलेट तो हजारों हो जाएगा, यदि एक बार SDM या DYSP बन जाते हैं तो ऐसा मैं सक्षम हो जाऊंगा। क्या कैसा टेस्ट? बहुत अच्छा टेस्ट। लेवल कैसा है? लेवल बहुत अच्छा है सर का, जितना भी टेस्ट हुआ अभी तक में सबका लेवल अच्छा है। हाँ। और बहुत अच्छा टेस्ट है, जैसे BPSC लेवल का है टेस्ट। कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप? अभी तो हम फिलहाल 70-75 के आसपास जा रहे हैं। हाँ। उसको हम बढ़ाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हाँ। कहाँ गलती ज्यादा हो रही है? मेरा अभी जो करेंट का सेक्शन है उसमें थोड़ा गलती ज्यादा हो रहा है, उसको हम सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, पूरा प्रयास कर। हाँ, प्रयास। देख सकते हैं सभी लोग टेस्ट दे रहे हैं, तो और ये दुर्गेश सर का गांधी चौक के पास संस्थान है श्री IAS के नाम से, यदि आप भी इसमें जुड़ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। क्या कुछ कहिएगा? नहीं चाहिए, देखिए गिफ्ट तो एक तरह से प्रोत्साहित किया जाता है, लेकिन खुद से मेहनत करके अच्छा बन जाए तो वो एक तरह से छोटा पड़ जाता है, तो एक जुनून हो जाता है कि चलिए रैंकर बन जाएंगे तो हमको ये मिल जाएगा। एक आप देखे होगा बचपन में भी हम लोग मम्मी पापा बोलते हैं मैट्रिक पास करो तुमको साइकिल खरीद देंगे, ये कर लो बाइक खरीदें, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। इसलिए मैं प्रोत्साहन किया जाता था कि बच्चे आगे कर्तव्य पे ध्यान दे और ध्यान एकाग्रित होकर पढ़ाई करे। कितना अंक ला रहे हैं अभी? मेरा 88 आ रहा है। आपका कितना आ रहा है? 80+ रहा था। क्वेश्चन का लेवल क्या है? ठीक ठाक। ठीक ठाक। बहुत सारे लोग BMW भी बोल रहे थे, उन लोगों से भी जानेंगे क्या गिफ्ट होना चाहिए या ठीक है। जिस तरह से हम लोग प्रशासनिक प्राधिकारी का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें जो कि एक तरफ जो कि गिफ्ट जो कि लालच की ओर ले जाता है, जो कि उसमें नहीं फंसकर अपने जो कि पढ़ाई पर ध्यान दें और उसमें एक पद पाए जिसमें 200 SDM का पद है, तो इसमें एक टारगेट हो जाता है कि ये हमको लेना है, इसके लिए इतना क्लासरूम में हमको टॉप करना पड़ेगा, या टोटल 5,00,000 आवेदन होंगे, 10,00,000 आवेदन होंगे, उसमें रैंक करना होगा। एक तो ये पुरस्कार हुआ, इसको यदि निगेटिव ना ले तो ये लालच कहाँ से हुआ? एक पॉजिटिव की ओर भी जा सकते हैं कि जुनून से विद्यार्थी लोग तैयारी करेंगे अपना, जो कि उसमें बहुत कैसा क्वेश्चन रह रहा है? मॉडरेट है, मतलब जिस तरह से मतलब आयोग देते हैं क्वेश्चन उसी स्कोर कर रहे हैं।
पिछले बार 93 आया था। 93 आया था, मतलब टॉप 20 में है आप। जी।